सुबह हो गई। सानू, ओ सानू, अरे जाग गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले। अरे वो दरवाजे से क्या झांक रहा है? उफ़, रोज का यही तमाशा। सुबह जगकर बैठ जाएगा दरवाजे पर और देखता रहेगा टुकर टुकर स्कूल जाने वाले बच्चों को। अभी आता होगा मेरी जान खाने। मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल भेजो। अरे सानू, ओ सानू, अरे सनवे। हाँ माँ। आ गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और उधर रात की रोटी रखी है, खा ले। तुझे काम पर जाना है कि नहीं? माँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता? मुझे बहुत अच्छा लगता है बस्ता टांग कर स्कूल जाना, पढ़ना लिखना। फिर शुरू हो गया तेरा वही राग। अरे बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। अरे स्कूल जाएगा तो उसकी फीस, किताबों का खर्चा कौन देगा? अरे बेटा, हम सब काम करते हैं तब कहीं जाकर मुश्किल से दो बखत की रोटी जुटा पाते हैं। जा बेटा जल्दी कर, देर हो गई तो फिर ठेकेदार चिल्लाएगा कि पॉलीथीन कम है। जा। जाता हूँ। अरे रोटी तो खा ले। मुझे भूख नहीं है। हाँ रुक तो, क्या करूँ इस लड़के का। कल तो मैं भूल ही गया था, आज रख ली है मैथ्स की किताब, वरना सर तो रमन को मोर का बना देंगे और बोलेंगे कुकुरु कु। ए, वो देख खड़ा है वही कूड़ा बीनने वाला। अगर आज इसने हमारे साथ चलने की कोशिश की ना तो बहुत मारूंगा, जरूर मारूंगा। छोड़ो भी गोविंद, देखो ही मत उधर। स्कूल जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? देखो हमारे साथ चलने की कोशिश मत करना वरना। गोविंद छोड़ो भी। अरे ए, जाकर कूड़ा बीन। चलो गोविंद चलो, हम चलते हैं। कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, क्या करूं? चलो शानू, धंधे पर चलो, प्लास्टिक बीनो, स्कूल जाना तो जैसे एक सपना है। वहीं चलूं पिकनिक वाली जगह पर? लोग पिकनिक करने आते हैं और ढेरों कूड़ा फैला कर चले जाते हैं। ओहो, सुबह हो चुकी। क्यों नदी? क्यों, कैसी हो बहन? अरे वो लो, शानू आ गया। आ गया बेटा? हाँ नदी माँ। क्या बात है बेटा, आज तो बड़ा उदास लग रहा है। मैं बहुत गंदा लड़का हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ना बेटा ना, ये क्या कह रहा है तू? तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुझे तो सब प्यार करते हैं। और मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, मैं हूँ तो पत्थर दिल पहाड़ी, पर शानू को देखते ही मन प्यार से भर जाता है। कितना प्यारा बच्चा है ये। क्यों हवा, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं, तुम, ये फूल, ये पेड़, ये सभी शानू जैसे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। और करे भी क्यों ना, शानू कितनी सफाई रखता है हर तरफ। हमारा तो दम ही घुट जाए अगर ये कचरा शानू ना उठाए और मुझ फूल की तरफ कोई देखे ही ना। बिल्कुल, ये सारे गंदे लोग कचरा फेंक कर एक दिन मुझे मैदान बना देते अगर शानू मेरी मदद ना करता और मेरा ये पहाड़ शरीर मन भर कचरे के नीचे दब जाता। शानू, तूने तो हम सबको जीवन दिया है, क्यों मन चली हवा? बिल्कुल सच कहा तुमने। अरे शानू, अगर तुम ना होते ना तो मेरा शरीर बदबू से भर गया होता। मैं जैसे ही चलती लोग अपनी नाक बंद कर लेते यूं। देखा शानू, तू कितना अच्छा लड़का है, हम सबकी इतनी मदद करता है, हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा एक काम कर, जल्दी से मेरे पास आ जा, मैं तेरा हाथ मुंह धुला देती हूँ और फिर तू आराम से पानी से खेलना। आजा आजा।
नदीमा, आप सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर क्या शानू, मुझे बताओ तुम्हारा मन क्यों भारी है? मैं चुटकियों में तुम्हारी मुश्किल हल कर दूंगी। चलो अब ये पहाड़ी भी कम से कम हिलेगी तो। भाई कुछ करने के लिए हिलना जरूरी जो होता है। तुम फिर मेरा मजाक उड़ाने लगी हवा। अरे नहीं बहन, तुम तो बुरा मान गई। वैसे मुझे बताओ शानू भैया, मैं तुम्हारी उलझन को फूंक मार कर यूं उड़ा दूंगी। और मैं खुशबू बिखेर कर तुम्हारा मन खुश कर दूंगा। बताओ बताओ ना, क्या बात है? बोलो शानू, क्या बात है? हाँ हाँ बोलो शानू। मैं पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ, क्या आप सब मेरी मदद कर सकते हैं? स्कूल? ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर हम तुम्हारी मदद कैसे करें? क्या तुम कुछ नहीं कर सकती पहाड़ी? तुम बोलो नदीमा, और फूल तुम। क्या करें शानू, ये स्कूल तो इंसानों की बनाई जगह है, इसके लिए तो इंसान ही कुछ कर सकता है बेटा। और इंसान तो बहुत स्वार्थी है, हमारी बात भला क्यों सुनेगा वो? और फिर शानू, हम सबसे बोल भी तो नहीं सकते, हर किसी के पास तुम्हारे जैसा सच्चा मन कहाँ है भला। हमारी आवाज, हमारी बात हर कोई समझ ही नहीं पाता। इसके लिए तो तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। बदकिस्मती से इंसान तो हमारी जीवन में छेड़छाड़ कर लेता है, पर हम इंसानों से कुछ नहीं करवा सकते। ठीक है, चाहता हूँ। अरे वो तो जा रहा है। जाने दो, जाने दो उसे। आज वो बहुत उदास है। कितने दुख की बात है कि हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे देखो तो, वो देखो, वो रहा शानू, बेंच पर बैठा वो बूढ़ा आदमी, उसे कुछ कह रहा है शायद। मैं अभी जाती हूँ वहां। तो शानू है तुम्हारा नाम, और तुम सड़क पार उस बस्ती में रहते हो ना? जी। और तुम्हें फूलों से बेहद प्यार है, हवा तुम्हारी दोस्त है, और ये सारी दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? जी मुझे सब अच्छे लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बताओ तुम्हें किताबें कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती हैं, फर फर उड़ते पन्ने और रंगीन तस्वीरें, मुझे किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। क्या सचमुच? अच्छा तो लो ये किताब, और बताओ कैसी है ये किताब? बहुत सुंदर, पर मुझे पढ़ना नहीं आता। बाबा, मैं आपको बाबा कह सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ बाबा, पर मेरे माता पिता के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे पढ़ाएंगे बाबा? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, स्कूल भी भेजूंगा। स्कूल जाना तो हर बच्चे का पहला हक है। पर बाबा, तुम किसी बात की चिंता मत करो शानू, मेरे घर में कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। सच बाबा? हाँ बेटा, मैंने अपने आप से वादा किया है कि जहां तक हो सकेगा हर बच्चे की मदद करूंगा पढ़ने में, अपने पैरों पर खड़ा होने में। आओ शानू। अरे वाह, मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ूंगा, चमकीली तस्वीरों वाली किताबें देखूंगा, है ना बाबा? हाँ बेटा।